सो हेलो फ्रेंड, चलिए हम चलते हैं फिर से प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात क्या है कि आप ठंड से बचे रहिए मेरी शुभकामनाओं के साथ। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस, तो चलिए हम सूत्र की तरफ चलते हैं। ये पहला क्या हो गया, लाभ परसेंट बराबर क्या हो गया, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, 100% हो गया। तथा हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। क्लियर, चलिए ये हो गया। और हानि निश्चित तो आप जानते हैं कि हानि से नुकसान होता है। ठीक है, और क्रय मूल्य तो आप जानते ही हैं। ठीक है, ये क्रय, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यदि विक्रय मूल्य बराबर रुपए एक्स तथा विक्रय मूल्य, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है, ठीक है, यदि विक्रय मूल्य बराबर रुपए एक्स तथा लाभ 20% हो तो क्रय मूल्य बराबर रुपए 100/120 गुणे एक्स। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं सूत्र नंबर नेक्स्ट की तरफ। यदि विक्रय मूल्य मीन्स आपको बताया गया है कि बेचा गया कीमत, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर रुपए एक्स तथा हानि बराबर 20% हो तो क्रय मूल्य रुपए 100/80 गुणे एक्स। ठीक है, कोष्टक बंद। अब चलिए हम चलते हैं बट्टा। बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर होता है। ठीक है, बट्टा हमेशा क्या होता है, इसमें क्या बताया है, अंकित मूल्य पर होता है। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। बराबर लाभ हानि पर क्या कह रहा है, बराबर लाभ और हानि यानी फायदे और नुकसान पर हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं नोट में। जैसा कि हमने यहाँ पे क्या राइट किया है, नोट, ऐसे सवालों में सदैव हानि होते हैं। कई सवालों में, ऐसे सवालों में, अब देखिए इस सूत्र में हानि बराबर, अब सूत्र में क्या है, हानि परसेंट बराबर उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि बटे परसेंट। ठीक है, अब इसके अब स्क्वायर हो गया 2%। जैसे कि आप मान लीजिए कि ऐसे वालों के लिए मान लीजिए कि 5% जहां पे लाभ है तो 5% हानि भी रहेगा, तो ऐसे सवालों के लिए इस सूत्र का उपयोग होता है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सूत्र की तरफ। यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, कोई दुकानदार हो गया, ठीक है, अपनी वस्तु यानी कि अपने वस्तु को, ठीक है, वो क्रय मूल्य यानी कि जो खरीदा हुआ है उसका कीमत है, यदि वो उस पर बेचता है परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर आपका क्या हो गया, त्रुटि बटे सही मान, फिर त्रुटि हो गया, ये क्वेश्चन में बन, फिर त्रुटि गुणे 100%। ठीक है, आई होप कि यह सूत्र आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो थैंक यू।